हेलो बच्चों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए कक्षा तीन हिंदी का पाठ तीन, डाकघर। देखो बच्चों, डाकघर क्या होता है? डाकघर किसको बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को हम डाकघर बोलते हैं। जहाँ वो ऑफिस है, सरकारी दफ्तर यानी सरकारी ऑफिस, वो जहाँ पे चिट्ठी पत्री, पत्र पत्रिकाएं, मनी ऑर्डर, पार्सल आदि का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस, डाकघर। पहले के टाइम में फोन बहुत कम हुआ करते थे, तो अपने जो रिश्तेदार थे, हम पत्र पत्रिकाएं लिखकर, चिट्ठी लिखकर हम उनसे समाचार पूछते थे। फिर वहां से वो पत्र लिखते तो हमारे पास में जानकारी आती थी, तो इस तरह हम पत्रों का आदान प्रदान करते थे। तो ये सब किसके जरिए होता था? पोस्ट ऑफिस के जरिए। तो आज हम पढ़ेंगे डाकघर, पोस्ट ऑफिस में ये पत्र हम किस तरह से लिखते हैं, तो वो चीज इसमें बताया गया है। इसमें एक भाई दूसरे भाई को पत्र लिखता है। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं किस तरह से हम पत्र लिखते हैं। ये है B 2x35 यमुनानगर दिल्ली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, अपना पता, जिसको हम भेज रहे हैं उसका हम पता लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम तारीख लिखते हैं, डेट। उसके बाद में संबोधन, अगर हमारा छोटा भाई है तो प्रिय भाई, बड़े हैं तो हम लिखेंगे पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी, इस तरह से हम संबोधन लिखते हैं। फिर नीचे नमस्ते, इस तरह से लिखते हैं। और हम अब बीच में लिखेंगे मैटर। तो बच्चों, ये आपको पता होगा ही कि यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? तो हम पेज, जब पत्र स्टार्ट करते हैं लिखना, पत्र शुरू करते हैं, तो पेज के बाईं ओर हम सबसे पहले पता लिखेंगे, उसके बाद में दिनांक लिखेंगे, और उसके बाद में संबोधन। अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो पूजनीय, और छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय भाई या बहन, जो भी हम जिसको भी लिखते हैं। और उसके नीचे लिखते हैं नमस्ते, छोटे छोटों के लिए या बराबर के लिए नमस्ते, और बड़ों के लिए प्रणाम। तो बच्चों, एक भाई दूसरे भाई को पत्र लिखता है, तो उसमें वो लिख के अपने भाई को लिख के बताता है कि वो किस तरह से पत्र लिखता है। तो कल मैं अपने अध्यापक के कहने पर डाकघर से टिकटें खरीदने गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वहां मैंने क्या क्या देखा। देखो बच्चों, वो जो था उसका भाई, उसके कहने का मतलब ये है कि वो टीचर के कहने पे वो डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस गया, और उसने वहां पे डाकघर पोस्ट ऑफिस में उसने क्या क्या देखा, वो चीज वो अपने भाई को बताना चाहता है। तो देखिए, पढ़ते हैं। डाकघर डाक के कार्यालय को कहते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को क्या कहते हैं? डाकघर। इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस कहते हैं, हिंदी में डाकघर कहते हैं। तो डाकघर से हमें बहुत लाभ है, बहुत फायदे हैं डाकघर के। यहाँ पर डाक भेजने वाला, सॉरी, डाक भेजने प्राप्त करने का प्रबंध होता है। डाकघर में मैंने आपको बताया था कि वहाँ डाक भेजी जाती है और डाक प्राप्त की जाती है। हम अपने देखते हैं कि हमारे घर पे भी कोई लेटर देने के लिए आता है, डाकिया आता है, पोस्टमैन, तो हम उसे डाक लेते हैं। और हमें किसी को चिट्ठी पत्री भेजना होता है तो हम उसको पोस्ट ऑफिस में हम डाल के आते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे भेजने और प्राप्त करने का प्रबंध होता है। खिड़की के पीछे बैठे क्लर्क से लोग कार्ड, लिफाफे, टिकट आदि खरीदते हैं। वहाँ पे खिड़की के दूसरी तरफ था जो, वहाँ पे एक क्लर्क बैठा था जो कि कार्ड और लिफाफे और टिकट आदि उससे खरीदते हैं, क्लर्क से। तो दूसरी ओर एक रजिस्ट्री करने वाला होता है, यह किसी आवश्यक पत्र या पार्सल को रजिस्टर करके उसकी रसीद लेता है। दूसरी ओर कौन बैठा था? दूसरी ओर एक रजिस्ट्री करने वाला होता है, जो हम पार्सल भेजते हैं या हम मनी ऑर्डर भेजते हैं, तो उसको क्या है, रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसकी रजिस्ट्री की रसीद वो देता है। तीसरी ओर मनी ऑर्डर लेने वाला बैठता है। जब हम मनी ऑर्डर किसको कहते हैं? जब हमें पैसों की जरूरत होती है, या किसी और को, हमारे रिश्तेदार को किसी को पैसे की जरूरत होती है, तो हम मनी ऑर्डर उसको कहते हैं कि हम पैसे भेज सकते हैं। तो पैसे भेजने को या पैसे मंगाने को उसको मनी ऑर्डर कहते हैं। डाकघर से हम अपने रिश्तेदारों,
मित्रों को पत्र भेजते हैं। पहले के टाइम में मैंने आपको बताया था कि पहले फोन का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था, हम पत्र लिखकर ही एक दूसरे के समाचार पूछते थे। तो जब हमें डाकघर की बहुत जरूरत थी, डाकघर से ही हम पत्र भेजते थे और प्राप्त करते थे, उनसे समाचार प्राप्त कर सकते थे। रुपए भेजने में भी ये हमारी सहायता करता है, जैसे जो बताया था मैंने मनी ऑर्डर, उसके द्वारा हम रुपए भेज सकते हैं और रुपए मंगा भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। लोग डाकघर में बचत खाता खोलकर अपना रुपया जमा कराकर कॉपी यानी कि पासबुक पर मोहर लगवा लेते हैं। देखिए बच्चों, जो हमने बताया कि ये चित्र सॉरी पत्र पत्रिकाएं चिट्ठी इस ये काम तो होता ही है, मनी ऑर्डर पार्सल ये सब तो काम होता ही है, लेकिन इसमें ये काम भी होता है कि हमारे पास जो पैसे होते हैं, हम बचाना चाहते हैं ना पैसे, तो वो पैसे हम पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा कर उसमें बचत कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। पैसे जब हम जमा करवाते हैं तो एक खाता खोलते हैं, तो वहाँ पे एक खाता खोलने के बाद में एक पासबुक दी जाती है, उसमें एंट्री होती है कि हम उससे पैसे निकलवा सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, उसमें बचत कर सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोलते हैं, बचत खाता खोलते हैं, जो हम पैसे बचाना चाहते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, जैसे बैंक में भी खाता खुलता है तो उसमें भी हम बचत डालते हैं, उसमें भी पैसे बचाने के लिए, बैंक में भी खाता खुलता है तो बैंक में भी पासबुक मिलती है, उसी तरीके से इसमें भी बचत के लिए पैसे डालते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं और पासबुक हमें मिलती है। लेकिन किसी को पता होता है कि पोस्ट ऑफिस में खुलता है खाता, किसी को नहीं पता होता है तो वो बैंक से ही अकाउंट खुलवाते हैं और पैसे जमा करवाते हैं, बैंक से निकाल भी सकते हैं। बचत खाते के अतिरिक्त डाकघर द्वारा आवर्ती जमा, बचत खाते के अतिरिक्त डाकघर द्वारा आवर्ती जमा, सावधि जमा, भविष्य निधि संचय, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र आदि की सुविधाएं दी जाती है। तो डाकघर के अंदर जैसे कि आवर्ती जमा यानी कि इसमें एक निश्चित समय के लिए निश्चित राशि जमा की जाती है, उसको बाद में हम निकाल सकते हैं बचत के रूप में। सावधि जमा में ब्याज की दरें अच्छी मिल जाती है। और भविष्य निधि होती है जैसे हम LIC वगैरह करवाते हैं ना भविष्य के लिए, उस तरह से राष्ट्रीय बचत पत्र, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए, शिक्षा के लिए जो मोदी जी ने योजना चलाई वो सुकन्या समृद्धि योजना है। किसान विकास पत्र ये किसानों के लिए है। आदि की सुविधाएं डाकघर में डाकघर के द्वारा दी जाती है, जो जन साधारण के बीच लोकप्रिय सिद्ध हुई है और लोगों ने इसका बहुत ही अच्छे इस तरीके से इस्तेमाल किया है। तुम भी एक दिन स्वयं डाकघर अवश्य जाना। तो एक भाई दूसरे भाई को ये सब डाकघर के बारे में बताता है और ये लास्ट में कहता है कि तुम भी एक बार डाकघर जाकर देखना कि वहां पे क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। एक भाई दूसरे भाई को कहता है, आशा है बहन अनिष्का स्वस्थ और प्रसन्न होगी, मम्मी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तो वो एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि बहन के लिए कहता है कि वो तो स्वस्थ होगी और माँ के लिए चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि माँ और चाची जी को प्रणाम ही तो कहेगा। फिर नीचे उसका बोलता है तुम्हारा भाई, यानी कि अपना नाम बोलता है तुम्हारा भाई रजत गोयल। तो देखिए बच्चों, ये हमने पत्र पढ़ा, इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक भाई दूसरे भाई को पत्र लिखता है और डाकघर के बारे में बताता है। तो बच्चों ये हमने पत्र पढ़ा, पत्र के बाईं तरफ हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पहले यहाँ पे आएगा एड्रेस, फिर आएगा तारीख, उसके बाद में संबोधन, उसके बाद में हम नमस्कार या प्रणाम जो लिखते हैं जिसके लिए लिख रहे हैं, फिर बीच में आ जाएगा मैटर प्रारूप, उसके बाद में जो जिसने पत्र लिखा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो ये पत्र आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं, तो आगे करते हैं हम व्याकरण बोध, शब्द बोध सॉरी शब्दार्थ पढ़ेंगे। अब अध्यापक यानी कि शिक्षक, टीचर, कार्यालय यानी कि दफ्तर ऑफिस जो होता है उसको बोलते हैं कार्यालय, प्राप्त
पाना या मिलना, कोई चीज मिलती है ना हमको, उसको बोलते हैं प्राप्त करना। आवश्यक यानी जरूरी, लिफाफा यानी कागज का खोल, और पार्सल यानी पार्सल है। पार्सल का मतलब ये है जैसे बहने दूर बैठे भाइयों को राखी कैसे बांधेगी, तो वो जो राखी पैक करके जो भाई के पास भेजते हैं ना उसको पार्सल करना कहते हैं, कि पार्सल करना कुरियर करना, तो उसको हम कहते हैं पार्सल। द्वारा यानी किसी के जरिए, अवश्य जरूरी या निश्चित, स्वस्थ तंदुरुस्त हेल्दी जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग हेल्दी, रसीद पावती या रिसिप्ट। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण बोध। बाई और दिए गए शब्दों के सही समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा यानी कि गोला लगाइए। अब समान अर्थ वाले शब्द मतलब एक ही शब्द हो उसके एक ही मतलब निकलना चाहिए, लिखने में दो शब्द होते हैं वो, जैसे कि खुश। अब खुश को हम क्या बोल सकते हैं, प्रसन्न। आनंद हम बोलेंगे नहीं, सुख भी नहीं होगा, प्रसन्न। तो प्रसन्न पे गोला लगा हुआ है उदाहरण के लिए। तो हम दूसरा करेंगे अध्यापक। अध्यापक को हम और क्या कह सकते हैं, पंडित तो कहेंगे नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, शिक्षक। इंतजाम, इंतजाम को इनकार भी नहीं होगा, प्रबंध भी नहीं होगा, हाँ सॉरी प्रबंध, इंतजार नहीं होगा। खबर, खबर को सूचक ये भी नहीं होगा, खबरी ये भी नहीं होगा, सूचना। दफ्तर, दफ्तर कार्यशाला ये नहीं होगा, कार्य ये भी नहीं होगा, कार्यालय। जैसे कि हमने अभी शब्दार्थ में पढ़ा, दफ्तर का दे रखा था शब्दार्थ में कार्यालय, तो दफ्तर का हो गया कार्यालय। पढ़िए समझ, जैसे इसमें उदाहरण के लिए दे रखा है लिफाफा, तो इसमें दे रखा है लिफाफे, तो हमें एक ही मात्रा लगाई है, लिफाफा यानी एक, और लिफाफे यानी बहुत सारे लिफाफे। ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पैसा, तो इसके पैसा के क्या होगा, पैसे, बहुत सारे पैसे। खाता, यह होगा खाते। दाग खाने, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रियां, तो बच्चों यहां लिखा हमने रजिस्ट्री, रजिस्ट्रियां। रजिस्ट्रियां जैसे होती है, रजिस्ट्री यानी तो एक रजिस्ट्री हम करते हैं ना, तो उसको रजिस्ट्री होगी, बहुत सारे हम करेंगे तो रजिस्ट्रियां। अब इसमें जब बहुत सारे रजिस्ट्रियां करते हैं तो इसमें मात्रा, इसमें बड़ी की लग रही है तो इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। जैसे कि इसमें खिड़की है, अब खिड़कियां लिखेंगे तो इसमें भी मात्रा छोटी की मात्रा लगेगी, और बोलेंगे इसको खिड़कियां। आगे है कॉपी, बहुत सारी लिखने के लिए बोलेंगे कॉपियां। टिकट, टिकटे, बहन, बहने, मोहर, मोहरे। तो बच्चों ये एक वचन लिखे हुए थे यहाँ पे, तो हमने इनको बहुवचन में लिखा, और बहुवचन लिखने के बाद में बहुवचन में जब मात्रा है जो इसमें बड़ी की लग रही है वो छोटी में बदल जाती है, जैसे कि सब में देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं संयुक्त तथा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग समझिए, और दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। जैसे कि इसमें देखा है ब हलंग प्लस ब यानी कि हो गया ब, ऐसे ही इसमें उदाहरण के लिए दे रखा है डिब्बा, तो ये डिब्बा दे रखा है, उसी तरह से हमें इन शब्दों, इन उदाहरणों में से देख के नीचे लिखा है धब्बा, देखिए ये लिखा हुआ है इसमें धब्बा। इसी तरीके से दूसरा ये है श हलन प्लस ये यानी कि श, श्याम पट। तो बच्चों ये है आधा बै, आधा बै लिखते हैं ना जब ये हलंत लगता है, और पूरा बै लिखते हैं तो बै। अब ये आधा और पूरा मिलकर ब बन जाता है यानी कि द्वित्व व्यंजन, तो
ये ब बनता है। ये हलंक इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये आधा होता है। इसी तरह से जैसे डिब्बा, तो इसमें ब है, यानी कि ये द्वितीय व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे इसमें है श, ये आधा है, और ये पूरा है, तो ये हो गया श, तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शाम पट। अब इसी तरीके से हमें इन उदाहरणों में से देखना है कि यहाँ पे इस तरीके का शब्द कौन सा है, यानी कि ऐसा आदर्श है, और ये यानी कि संयुक्त व्यंजन वाला शब्द कौन सा है। तो ये हो गया इसमें अवश्य, इसमें आ रहा है ये, तो अब यहाँ लिखेंगे अवश्य। ऐसे ही आगे है श प्लस ट, यानी कि ये भी आधा है और ये ट है पूरा, तो ये होगा ष्ट। तो ये भी संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसमें भी श है और ट है, आदर्श है और ट है, ष्ट। जैसे कि कष्ट, तो कष्ट की जैसे दूसरा शब्द ही उदाहरणों में से कौन सा होगा, ये नष्ट। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा है क, ये भी आधा है, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि जब अक्षर आधा होता है तो हलंक लगता है, और पूरा होता है तो हलंक नहीं लगता। ये तो ये हो गया क्य। अब क्य की जैसे दूसरा उदाहरण कौन सा है जिसमें क्या होना चाहिए, क्या इसमें अ की मात्रा लग रही है पर शब्द वही है, क्या। यह है क प्लस ल, यानी कि आधा क और ल, क्ल। तो इस तरीके का शब्द इसमें कौन सा है, देखिए यह है क्लर्क। यह है स प्लस ट, तो यह आधा स और ये ट हो गया स्ट। तो ये शब्द उदाहरण में से कौन सा होगा, इसमें आ रहा है आधा स और ट, तो ये हो गया रजिस्टर। आगे देखिए, यह है स प्लस त, यानी कि स्त। तो ये किसमें होगा आधा स और त, स्त। ये नमस्ते, इसमें नमस्ते में आ रहा है आधा स और ते, नमस्ते, तो हम यहाँ लिखेंगे नमस्ते। आगे है द प्लस व, यानी कि द्व। तो ये द्व किसमें होगा, शुरू में ही है आधा आधा व और द, अ की मात्रा लग रही है द्वारा, तो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे द आधा है क्योंकि इसके हलंक लग रहा है, और ये व पूरा है, लेकिन इसमें दिखने में द पूरा है और ये व आधा लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे द्वारा, लेकिन ये इसमें व पूरा है और द आधा, जैसे कि इसमें बता रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे द्वारा द्वारा। यह है ध, हलंक है ये क्योंकि ये आधा है और ये प्लस ये, यानी कि ध। यहाँ पे देखिए अध्यापक, आधा ध है और या अध्यापक। तो बच्चों, ये हमने संयुक्त और द्वितीय व्यंजन का प्रयोग करके शब्द बनाए। इसी तरीके से आप बना सकते हैं किताब के अंदर से देख के। इसके बाद में हम मिलेंगे आगे वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।